मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस प्रोग्रामिंग में कितनी होती है ये समझाने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं बात है 2019 की जब मैं अर्बन क्लैब में सॉफ्टवेयर डेवलपर था और मेरे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि मुझे ये डिज़ाइन बनाना है एंड्रॉयड के अंदर ठीक है तो डिज़ाइन मेरे पास आ गया था और मुझे यही सेम का सेम एक कस्टम व्यू है ये जो मुझे बनाना था अब ये कस्टम व्यू आप लोगों को देख के लग रहा होगा ठीक है अगर आप लोगों को एंड्रॉइड आती होगी तो आप लोग समझ जाओगे ठीक है ये तो ईजी होता है कस्टम व्यूज बनाना हम बना लेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसके अंदर जब मैंने ठीक से देखा तो क्या दिखी मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम ये है कि जब ये कभी फाइव को पॉइंट कर रहा है तो ऊपर ये जो आपका डब्बा है और नीचे जो ट्राइंगल है ये आपस में किस तरीके से अलाइन होने चाहिए कितने एक दूसरे से शिफ्ट होने चाहिए क्योंकि अगर सपोज करो ये फाइव परसेंट की तरफ है और अंदर एक बहुत बड़ा टैक्स लिखा हुआ है तो ये ओवरफ्लो भी कर जाएगा स्क्रीन की लेंथ को ओवरफ्लो भी कर सकता है ये टैक्स तो हमें कुछ इस तरीके से इस बॉक्स को मूव कर रहे हैं सो so दैट कितना ही बड़ा टैक्स्ट हो ये ओवरफ्लो ना करे और ये प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो इतनी इजीली सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये हमेशा सिर्फ उसी जगह को पॉइंट करा होगा फाइव परसेंट को पॉइंट करेगा टेन परसेंट को पॉइंट करेगा लेकिन ऊपर वाले बॉक्स को आप लोगों को स्लाइड कराना है लेकिन कितना स्लाइड कराना है दिस वाज दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एट हैंड और जब मैंने ये देखा तो उस टाइम पर मैंने लगाई थोड़ी सी मैथमेटिक्स मैंने यूज़ किया इस ग्राफ का मैंने सोचा कि मेरे को एक एक्स बेसिकली एक्स इसके अंदर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और उसके हिसाब से मुझे वेरी करना है इस बॉक्स के ऑफसेट को कि ये बॉक्स कितना इधर उधर होगा तो उसके लिए मैंने, बना ये ग्राफ और ये ग्राफ मैंने बनाया ये 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 ग्राफ ग्राफ और के ऊपर मैंने बनाया वाला फंक्शन अब ये वाला फंक्शन और ये वाला ग्राफ मैं तभी बना सकता था जब मुझे टेन इनवर्सिकलीवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की नॉलेज होती यही सेम जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ यही फंक्शन यहां पर हमने कॉटलिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और इसके बाद ये काम बहुत एलिगेंटली हो पा रहा था मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैंने ये फंक्शन और ये सारी चीजें अपने मैनेजर को दिखाई तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मुझे अभी तक याद है उन्होंने कहा था कि यही एक होता है जिसकी वजह से हम टीयर वन स्टूडेंट्स को टीयर वन कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रहे होते हैं मैंने पूछा उनसे कि क्यों तो उन्होंने बताया कि वो भी डेवलपर होते ही हैं वो भी बहुत अच्छे डेवलपर होते हैं एंड्रॉड डेवलपर वो भी बना लेते हैं ये चीज़ लेकिन ये जो चीज़ आपने सोची है ये हो सकता है वो ना सोच पाते हो ठीक है उनकी मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो हो सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि यही चीज़ होती है जो कि एक एक्सपर्ट डेवलपर को डिफरेंशिएट कर रही होती है एक एवरेज डेवलपर से तो मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर हो बैक एंड डेवलपर हो डेटा साइंटिस्ट हो आप लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर हो या फिर आप लोग एक नॉर्मल बस प्रोग्रामर हो ठीक है अभी आप घुसे ही हो प्रोग्रामिंग के अंदर तब भी आप देखोगे कि मैथमेट

लेगा। उसके थ्रू रजिस्टर करना है इस कार्निवल के लिए और इसके अंदर मल्टीपल इवेंट्स भी हो रहे होंगे लाइक गेट अ जॉब लाइव लर्निंग फ्री कोड पर डीएम और इस टाइप के मल्टीपल इवेंट्स तो आप लोगों को पता है क्या करना है फिफ्थ से इलेवंथ अप्रैल के बीच में इस इवेंट के थ्रू आप लोग मल्टीपल कोर्सेज के ऊपर डायरेक्टली ऑफर पा सकते हो इसके अलावा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों को मिल रही होंगी तो डेफिनेटली चेक इट आउट एंड विद दैट लेट्स कंटिन्यू कंटिन्यूअर वीडियो वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं फॉर इंस्टेंस और इसके अंदर भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं अगर आप लोगों की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी तो हो सकता है आप लोग एनिमेशन खुद की बनाओ ठीक है मैथमेटिक्स की हेल्प से आप लोग बहुत एलिगेंट और कमाल कमाल की एनमेशन बना सकते हो पेजिनेशन करना होता है राइट आप लोगों को कुछ डेटा मंगाना पड़ता है बहुत सारा डेटा लोड करना एक बार में तो वहां पर भी आप लोगों को देखना पड़ता है कि मैं कितना ऑफसेट दूं, कितनी लिमिट दूं तो कितना डेटा है को और मुझे उसे किस तरीके से मुझे बड़े छोटे किस तरीके से चीज दिखने वाली है वहां पर भी आप लोग मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है यह था सिर्फ फ्रंट एंड की बात बैक एंड में जाओगे तो बैक एंड में तो अलग ही कहानी है जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन लग रहा है सपोज करो कहीं पर कैलकुलेट करना है प्राइस ठीक है किसी बुकिंग का प्राइस कैलकुलेट करना है तो वहां पर मल्टीपल फैक्टर आ रहे होंगे उस बुकिंग के प्राइस को कंफर्म करने के लिए हो सकता है सर्च प्राइसिंग आ रही हो मल्टीपल और भी चीजें आ रही हो उन सब का यूज करके किस तरीके कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप बनाओगे जिसकी हेल्प से वो एक ऐसी ला दे जो कि हर टाइम पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ला दे इस टाइप की मैथमेटिक्स हम लगा रहे होते हैं और रियल वर्ल्ड के अंदर ये लग रही होती है मैथमेटिक्स ये तो हमने बात कर ली कि, कि किस तरीके से मैथमेटिक्स आप लोग यूज हो रही है डेवलपमेंट के अंदर लेकिन अगर आप लोग कॉम्पिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो डेली के दो तीन तो आप लोग देखोगे मैथमेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर तो आप लोगों को काफी सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पता होने चाहिए तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यहाँ पर बहुत छोटे बहुत ईजी टॉपिक्स भी होते हैं और बहुत एडवांस टॉपिक्स भी यूज हो रहे होते हैं डेली फंक्शन पता होने चाहिए अलग अलग टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या फिर लोक रथ फंक्शन होते हैं ये पता होने चाहिए प्राइम नंबर कॉम्पोजिटिटिटिटिट नंबर जी सी डी एल सी एम बुलियन एल्जब्रा लीनियर एल्जब्रा लीनियर एल्जब्रा के अंदर आपके लीनियर इक्वेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा पी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन आप लोगों की रिकर्जन के अंदर पूरे टाइम पी ही यूज़ हो रहा होता है इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स का यूज़ हो रहा होता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिटिक्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं अगर हम डेटा साइंटिस्ट भी बन रहे होते हैं तो आप लोगों को मल्टीपल अलगोर्डम्स लगानी होती है वहां पर लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हो आप लोग के नियरस्ट नेबर लगा रहे हो ये सारी एलगोर्डम्स के अंदर मैथमेटिक्स यूज हो रहा होता है वहां पर आप लोग मल्टीपल मेट्रिस के का डील कर रहे हो डेटा जो होता है आपका मेट्रिक्स फॉर्म में होता है तो उसको उसके अंदर किस किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशनस लगेंगी वहां पर आप लोगों की पूरी पूरी मैथमेटिक्स काम आ जाती है ठीक है तो डेटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा भर के यूज़र होता है आप लोगों का मैथमेटिक्स का तो अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग के अंदर जाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को अच्छी खासी मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए और लीनर अजबर के ऊपर आप लोगों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए और सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ मैं समझता हूँ कि गेम डेवलपमेंट के अंदर होती है यहाँ पर आप लोगों को रियल वर्ल्ड फिजिक्स लगानी होती है अपने गेम्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि जिसके अंदर आप लोग नेचुरल जो हमारे अराउंड हो रही होती हैं चीज़ें उसके अंदर भी मैथमेटिक्स लगी ही रही है राइट ग्रेविटी के अंदर मैथमेटिक्स लग रही है आप लोगों की आप लोगों की बाउंसिंग के अंदर आप लोगों की कोल्यूशन के अंदर मैथमेटिक्स लग रही है तो इन सभी का यूज हो रहा होता है गेम डेवलपमेंट के अंदर तो आप हमें समझ में होगा मैथमेटिक्स का कितना रोल होता है कहां कहां पर किस तरीके से मैथमेटिक्स लग रही होती है लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम ये वाली मैथमेटिक्स सीखे कहाँ से ठीक है जो हमारी डे टू डे यूज हो रही होती है जो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज हो रही होती है कॉम्पिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जो मैथमेटिक्स यूज हो रही होती है या फिर ये जो हमारे डेवलपमेंट के अंदर यूज हो रही होती है ये सारी मैथमेटिक्स हम सीखें किस तरीके से तो आप स्टार्ट कर सकते हो हमारे खुद के इस चैनल के डी एस कोर्स के साथ यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स के ऊपर पूरी तीन वीडियो बना रखी है और इन तीनों के अंदर आप लोगों के बेसिक से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स के कंसेप्ट मैंने कवर किए हुए हैं तो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर फैक्टोरियल के साथ ठीक है फिर उसके बाद ट्रेलिंग जीरोज़ इन फैक्टोरियल पेलिंड्रोम नंबर्स यहाँ पर थोड़े अच्छे लेवल के मैथमेटिक्स कंसेप्ट यूज हो रहे हैं इसके अलावा ये तो पहली वीडियो थी सेकंड वीडियो के अंदर हम जी की बात कर रहे हैं और प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं और एक थर्ड वीडियो जहां पर हम मॉड्युलर एथमेटिक्स की बात कर रहे हैं मॉड्युलर एथमेटिक्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी कहूँगा मैं आप लोगों को आप लोगों को बिट मैनिपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए ठीक है बिट मैनिपुलेशन भी थोड़ी सी आ जाती है मैथमेटिक्स के अंदर ही इसके अंदर आप लोगों की बुलियन एलजप्रा ठीक है एंड और नॉट एक्जोर ये सारी चीज़ें हैं राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो पूरी की पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही होती है राइट आप लोगों की सेट थ्योरी होती है इसके अंदर आपके लोगों की प्रॉबिलिटी होती है आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स होती है ये सारी सारी चीज़ें आप लोगों की मैथमेटिक्स के अंदर ही आ रही होती है और हाँ ये चीज़ मैं बोलूंगा कि टीयर वन कॉलेज के अंदर क्योंकि कॉलेज के अंदर ही आप लोगों को मैथेमेटिक्स सिखा रहे होते हैं प्रोफेसर तो वहाँ पर एक एज मिल रहा होता है क्योंकि हमें ये सारे सारे कंसेप्ट कॉलेज में ही सिखा दिए जाते हैं और हो सकता है टीयर थ्री कॉलेज में अगर आप लोगों की पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है तो वो टॉपिक्स आप लोग इतने अच्छे से ना पढ़ पाओ लेकिन आप लोगों के ऊपर है यार कि आप लोग कितना अच्छा उस मैथमेटिक्स को पढ़ते हो अगर आप लोग ब्लॉक के अंदर भी जाओगे ना तो ब्लॉक के अंदर तो अलग ही लेवल की मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है अगर आप लोग क्रिप्टोग्राफी के अंदर जाओगे तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर और ही अलग लेवल की मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है ठीक है तो हर जगह मैथमेटिक्स है पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों की फिजिक्स के अंदर हर जगह मैथमेटिक्स इवाल्वड है अब इनके अलावा भी मैथमेटिक्स के काफी सारे कंसेप्ट होते हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताए काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं मैं आप लोगों को ऐसा करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन कौन से मैथमेटिक्स के कंसप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए जैसे फर्मेट थ्योरम हो गई चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हो गई इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मुझे काफी सारे याद नहीं आ रहे हैं मैं सारे सारे ना नीचे डाल दूंगा और सारे सारे रिसोर्स भी डाल दूँगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से जाके पढ़ सकते हो काफ़ी सारी वीडियोस मुझे याद है मैंने देखी थी फ्री कोड कैंप के ऊपर जाके भी और उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है मैथेमेटिक्स के ऊपर तो वो सारे लिंक मैं आप लोगों को नीचे डाल दूंगा इसके अलावा कौरसरा के ऊपर एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का कोर्स है उन्होंने भी मैथमेटिक्स समझा रखे काफ़ी अच्छे से वहाँ से भी आप लोग मैथमेटिक्स काफी सारे कंसेप्ट सीख सकते हो तो जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स आप लोग सीखोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप 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 लोगों 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 को को पता चले कि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का कितना रोल होता है। आई होप हो। अगर आप के रिगार्डिंग अभी भी कुछ भी कुछ डाउट्स छोटे से छोटा डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आप लोगों की हेल्प चलते हैं।